तो जय हिंद दोस्तों। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो 3 दिन पहले मेरे साथ एक घटना घटी जिसकी वजह से 3 दिन तक मैंने चक्की चलाई ही नहीं है दोस्तों। और चक्की पर भी एक आदमी को रखा है जो हमारी पहचान का है, तो वो 3 दिन से चला रहा है। मैं साइड में बैठ के जो पैसा लेने का काम होता है या किसी के ठेले में या डब्बे में कोई नाम लिखने का होता है, वही मैं काम आज 3 दिन से कर रहा था। और आज चौथे दिन से मैंने चक्की चलाना शुरू किया है। तो वो क्या मेरे साथ घटा है दोस्तों, वो घटना वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपके साथ भी ऐसा ना हो इसलिए आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। तो मेरे साथ दोस्तों ऐसा हुआ कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज से थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था आटा चक्की पत्थर का, बदला बदलने का। वो तो बदल लिया, अच्छे से बदल लिया, अच्छे तरीके से काम हो गया दोस्तों। उसके बाद जब हमें जो टकाई करने की होती है आटा चक्की में, तो उसे फिर से खोलना पड़ता है। तो थोड़े समझ लो कि 6 से 7 दिन बाद मैंने फिर से खोली चक्की को खोल के उसमें टकाई की। और टकाई करके दोस्तों जैसे ही मैंने फिटिंग करी, तो जो घूमता पत्थर होता है हमारा, जो पीछे वाला घूमता है साफ्टिन के अंदर फिट हुआ होता है, वो मैंने आराम से डाल दिया चक्की के अंदर। पर जो प्लेट वाला पत्थर होता है दोस्तों, वो मैंने अकेले ने उठा लिया। जहाँ समझ लो कि जहाँ पर मेरी चक्की है वहाँ से 15 कदम दूर था वो पत्थर, तो वो 15 कदम मैंने उठा के ने वहाँ तक मैं उसे ले गया दोस्तों। तो वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी जिसकी वजह से मेरे जो कमर की नस आती है वो खींच गई थी। और तभी मेरे को पता चल गया था, मैंने पत्थर पूरे का पूरा छोड़ दिया था। वो तो ऊपर वाले कर्म हुआ कि मेरे पैर ऊपर नहीं आया वो पत्थर, उतनी ऐसी इस तरह खींच गई नस के मेरे हाथ में से वो पत्थर ही छूट गया दोस्तों। ये वीडियो बनाने का यही कारण है दोस्तों कि इस तरह के आप अगर भूल करते हो तो आपको नहीं करनी चाहिए। कोई भी आप काम करो दोस्तों, अगर कोई भी वजनदार काम करते हो, मेहनत वाला काम करते हो, उसमें थोड़ा बहुत ये तकलीफ होती रहती है, वो भी हमारी गलती के कारण होती है। जो मेरी गलती थी उसमें पत्थर का कोई कसूर नहीं है, जब मेरे को धीरे धीरे लेना चाहिए था या फिर किसी की मदद लेनी चाहिए थी। तो आपके साथ ये ऐसी घटना ना घटे दोस्तों, इसलिए वीडियो बनाया है। मैंने जो भूल की है अकेले को उठाने की, वो आप ना करें, दूसरों की मदद लें, सामने सामने दो जाने उठाएं तो आसानी से उठ जाएगा और अच्छी तरह काम भी हो जाएगा। अगर आप अकेले उठाते हो तो मैंने दूसरी यही भूल की थी कि अकेले ये 15 जो कदम आते हैं चक्की से, 15 कदम जो मेरा दूर था पत्थर, वहाँ से मैंने एक साथ ऐसे उठा के ताकत दिखाने के चक्कर में उठा के चला गया, ऐसे मान लो तो भी चलेगा। मैंने बीच बीच में से क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप नहीं रखा कि चलो थोड़ा उठाया, थोड़ा आगे रखा, फिर रख दिया, थोड़ा आगे रखा, फिर रख दिया, उस तरह नहीं करा। क्योंकि नया पत्थर आपको पता ही है कि नया पत्थर ज़्यादा वजन में होता है, मोटा होता है, जिसकी वजह से उसमें वजन ज़्यादा होता है दोस्तों। नया पत्थर में आपको पता है कितना वजन होता है। तो मैंने एक साथ उठा के डायरेक्ट चक्की तक ले गया, स्टेप बाय स्टेप नहीं ले गया। दोस्तों आप अकेले, आपके आसपास कोई नहीं है दोस्तों, तो आपको स्टेप बाय स्टेप लेना चाहिए। और आपके आसपास कोई दुकान है, कोई आपका पहचान वाला है, या आपका दोस्त है, या आपका घर का इंसान है दोस्तों, तो उसकी मदद ले, सलिए की मदद से दो जने आमने सामने उठाएं दोस्तों, फिर साफ्टिन में डालें, ऐसे अकेले ना उठा जिस तरह मैंने भूल की है। तो आज 3 दिन से ना मैं सही से मैं बैठ पा रहा था, ना सही से खड़ा हो पा रहा था, ना सो पा रहा था दोस्तों, उस तरह का दर्द मुझे हो रहा था। तो पहले मैंने हॉस्पिटल का चक्कर लगाया, हॉस्पिटल में उसकी दवा की, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। पर सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा अगर ऊपर वाला ना करे, किसी के भी साथ, मेरे दोस्त के किसी के भी साथ ऐसा होता है, क्योंकि मेहनत वाला काम यार किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है, ना हो तो अच्छा है दोस्तों, आप ख्याल रखें तो बहुत अच्छा है। अगर होता है दोस्तों तो आपको क्या करना है, पहले तो हॉस्पिटल जाना है, उसके लिए सही जो इलाज होता है वो आपको करना है। और आप घर बैठ के सबसे अच्छा इलाज क्या कर सकते हो, बाहर से पी के नहीं, कुछ खा पी के आपको इलाज नहीं करना, जो आपको दवाई दी है वही आपको पीने की है। पर अगर आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं कि जल्दी आपको मीडिया, बाकी ये मैंने ऐसा कईयों के साथ देखा है दोस्तों कि ऐसी तकलीफ में 15-20 दिन तक वो तकलीफ रहती है, आज 3 दिन में मेरी वो तकलीफ पूरी हो गई। तो काफ़ी तक हद तक दवाई का भी फ़र्क था और काफ़ी हद तक जो मैंने बाहर से किया था वो भी फ़र्क पड़ा। तो दोस्तों वो उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो हमारे घर में होती है, हर घर में होती है दोस्तों चीज़, वो होता है बाम। आप कहोगे बाम लगाने से क्या होता है, तो सिर्फ बाम ही लगा, नहीं दोस्तों, बाम लगाने से
सही तरीका आपको पता होना चाहिए। हाँ, उसका भी एक सही तरीका होता है कि आप बाम लगा के किस तरह ठीक हो सकते हो। हम क्या करते हैं, कहीं भी हमको दुख रहा है, जो विक्स बाम आता है उसकी बात नहीं कर रहा मैं दोस्तों, क्योंकि वो सर्दियों में खांसी में उस तरह के काम देता है। जो आयोडेक्स बाम आता है, टाइगर बाम आता है, उस तरह का बाम आता है, मैं उस तरह का कह रहा हूँ। और आपको लगाने के टाइम क्या ध्यान रखना है, लगा के आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको जल्दी फायदा हो। अगर आप वैसे ही लगा के आपने छोड़ दिया तो जो उसका जो पावर होता है दोस्तों, वो हवा के जरिए बाहर निकल जाते, हमारे अंदर शरीर तक नहीं पहुंचता। जिसका जो बाम का जो पावर होना चाहिए वो हमारे शरीर तक नहीं पहुंचता। अगर आप जहाँ भी आपको लगा है, जहाँ की भी आपको नस खींच गई है, कमर में नस खींच गई है, हाथ की नस खींच गई है, या खंभे की नस खींच गई है, शोल्डर की नस खींच गई है, कहीं भी हो, या गर्दन की हो, कहीं की भी आपकी नस खींच गई हो दोस्तों, पहले आपको दवाई करनी है। आपको जल्दी रिजेक्ट आइए तो आप वहाँ पर बाम लगाइए, हाथ पर लगाए तो हाथ पर लगाइए, पैर पर लगाए तो पैर पर लगाइए, जहाँ की भी आपको अंदरूनी मार लगी है वहाँ पर बाम लगाइए। और फिर दोस्तों बाम लगा के आपको छोड़ नहीं देना, चलो बाम लगा लिया तो अब अच्छा ही हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आपको क्या करना है, आपने थोड़ा ज़्यादा बाम लगाना है, जहाँ पर आपको दुख रहा है वहाँ पर बाम लगा के, जो भी मोटा कपड़ा होता है ना, मोटा चद्दर जैसा, मोटी चद्दर, कंबल बोलते जो, तो उस तरह का मोटा कंबल वाला आपको समझ लो कि हाथ में यहाँ पर लगाए, तो वहाँ पर मोटा कंबल आपको ढक देना है। भले थोड़ा हम आपका झाड़ा झाड़ा मोटा मोटा हाथ में लगे, वो तो थोड़ी देर हाथ में है तो हाथ में करिए, कमर की नस खींच गई तो कमर में इस तरह बांध के रख दे। कहीं से भी आपकी जो बाम लगाया है उसकी हवा, उसका एयर कहीं से भी निकलना नहीं चाहिए। उसका एयर अंदर भी अंदर रहेगा, जहाँ आपने लगाया है वहाँ ही आपका असर करेगा। आप 3 दिन ऐसा करोगे ना, रोज़ रात को दोस्तों, रोज़ रात को, और दिन में 2 बार करोगे तो सबसे बेस्ट है दोस्तों, सबसे जल्दी आपको अच्छा हो जाएगा। आप ये ट्राई कीजिए कभी भी, आपको ऐसे कुछ भी तकलीफ होती है, या आप चक्की चलाते चलाते आपको जो कमर का दर्द हो जाता है, कई लोगों को जिसे कमर के दर्द से कई लोग परेशान होते हैं, क्योंकि हमें वाकावल के नम के ही हमको काम करना पड़ता है डब्बे बदलाने के लिए, तो ज़्यादा समय तक हमें क्या होता है कि उस कमर की तकलीफ हो जाती है। अगर आपको कमर की भी तकलीफ है तो आप ये कर सकते हैं दोस्तों, आपको दवाई करने की भी जरूरत नहीं। अगर आपकी नस खींच गई तो आप दवाई भी कीजिए और ये भी कीजिए, आपको जल्दी फायदा होगा दोस्तों। तो आपके साथ ऐसा ना हो, अगर होता है तो इस तरह कीजिएगा, आपको जल्दी अच्छा हो जाएगा। ये मेरा अनुभव है, जो मुझे अनुभव हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और हो सके तो अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा दोस्तों। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऑल वाले घंटे के बटन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।